अस्सलामुअलैकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम इसका एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो होगा प्रोटीन के ऊपर। यानी कि हमारे पास डीएनए भी डिस्कस हो गया, आरएनए भी डिस्कस हो गया, अब देखते हैं कि प्रोटीन के जो है टाइप्स कितनी है, प्रोटीन के फंक्शंस क्या है, प्रोटीन और एंजाइम का आपस में लिंक क्या है और प्रोटीन की एप्लीकेशन हमारी बॉडी में क्या है, आइए देखते हैं। आई क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है प्रोटीन के ऊपर और प्रोटीन जो है हमारी लाइफ का एक फंक्शनल यूनिट है। जब हम वर्ड बोल देते हैं फंक्शनल यूनिट का, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेस हैं वहां पे कहीं ना कहीं प्रोटीन का अमल दखल है। इससे पहले कि हम जाएं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ, इसके फंक्शन की तरफ या इसकी कंपोजिशन की तरफ या फिर इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रोटीन है क्या, ये बनती कैसे है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है और फिर प्रोटीन जो है उसमें जो जनरल नॉलेज कुछ बातें हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन है ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है ना सिर्फ सेल का बल्कि टिश्यू और ऑर्गन्स का भी। और फर्दर मोर हम इसको देखें तो प्रोटीन एक्सीलरेट करती है हमारे बॉडी के डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस को, यानी कि प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम भी करती है। और आगे अगर हम बढ़े तो प्रोटीन हमारी बॉडी में एक नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल है, यानी कहने का मकसद यह है कि ये अमीनो एसिड से बना होता है जो कि पेप्टाइड बांड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। और मैं आपको बड़े आसान भाषा में बगैर किसी रट्टे से बताऊंगा कि आप किस तरीके से अमीनो एसिड से एक पूरी प्रोटीन बना सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी में कितने हैं और ये किस तरीके से पाए जाते हैं, एसेंशियल कौन से हैं, पोलर कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से हैं, तो टोटल तो हमारी बॉडी में कितने हैं, 20 है। आगे इसकी हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे लेकिन उससे पहले जो है हम आपको बताएंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है। ओके जी, सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में जो ओवरऑल एक किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का जो मास है उसमें 15% प्रोटीन है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी बॉडी में प्रोटीन क्या कुछ है और क्या कुछ कर रही है जिसका हम मोस्टली नहीं जानते। आइए आगे देखते हैं क्या करती है ये। सबसे पहला काम जो कि हमारे बॉडी के जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं यानी कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे जो है एक्ट एज अ एंजाइम करती है। यानी जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट देन राइबोसोम जो कि आरएनए बेस होता है, उसके अलावा जितने भी एंजाइम हैं वो क्या है, प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं। तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी के जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो एंजाइम जरूर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए जो है एंजाइम के तौर पर प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फर्दर मोर अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है, यानी कि बहुत सी हमारी बॉडी में जो ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे हमें इसको फाइब्रस प्रोटीन जो बॉडी में होती है, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो आगे हम देखेंगे जाके, ये हमारी बॉडी को एज ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी कि बॉडी का जो मेकअप है उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। और फर्दर अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस है अगेंस्ट जो है इन्फेक्शंस, यानी कि डिफरेंट किस्म के जो हमारे बॉडी में जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड जो टैकलिंग होती है उसमें जो हमारी प्रोटीन एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज होती है। और आगे थोड़ा सा बढ़े तो हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स भी है। आप सोचते हैं, आप देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि जब हम डाइट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें प्रोटीन जो है उसकी खास रेशियो जो है बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हमें वो लेनी चाहिए। कुछ लोग जो है प्रोटीन जो है वो सिंथेटिक प्रोटीन यूज करते हैं, कुछ लोग नेचुरल प्रोटीन यूज करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रोटीन बाहर क्या किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी में एक एनर्जी का सोर्स है और बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। नेक्स्ट हम आप आगे मूव करते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें अमीनो एसिड की कंपोजिशन क्या है बड़े सिंपल वे में। देखिए मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर जो है वो लेके आ रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में जरा गौर से देखें तो हमारे पास सेंटर में क्या है, ये सेंट्रल कार्बन, इसको हम काइरल कार्बन भी कहते हैं, जिसकी वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावेलेंट होती है। तो आपने जब भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो या उसकी कंपोजिशन को जानना तो उससे पहले आपको अमीनो एसिड का जो है स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन को जानना बहुत जरूरी है। बड़े सिंपल वे में आपको बताने जा रहा हूं, सेंटर में देखिए हमारे पास क्या है, सेंट्रल कार्बन, इसको हम काइरल कार्बन कहते हैं, इसकी टेट्रावेलेंसी होती है, चार वैलेंसियां या चार बॉन्ड एट ए टाइम ये बना सकती है। कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं ये देखिए आपके सामने चारों बॉन्ड अवेलेबल है। और अगर हम आगे बढ़े यानी कि इसकी जो है वो राइट आर्म कह लें, जैसे एक इंसान हो उसकी जो है सेंट्रल बॉडी जो है उसका पेट जो है वो कार्बन है और उसका जो राइट आर्म है वहां पे क्या अमाइन ग्रुप या अमाइनो ग्रुप अवेलेबल है NH2। और उसके जो है लेफ्ट जो आर्म है, जो लेफ्ट बाजू है वहां पे क्या C डबल बॉन्ड या C डबल OH है, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं।
और इसी तरीके से थोड़ा सा आगे मूव करें तो हमारे पास इसके जो है वो अपर पार्ट पे या कुछ जगह पे आपने लोअर पार्ट पे भी देखा होगा हमारे पास क्या होता है हाइड्रोजन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो है वो सबसे नीचे देखें तो हमारे पास आर, और इस आर को अगर हम फर्दर मोर डिकोड करें तो हमें पता चलता है ये क्या फंक्शन ग्रुप्स को शो करता है, और इन फंक्शन ग्रुप्स की वजह से ये हमारे पास जो है वो क्या बनाता है फिर अमीनो एसिड्स की टाइप्स बनाता है, जिसमें कौन से हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, पोलर अमीनो एसिड्स हैं, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड्स हैं। अब आप जब इन पूरे तमाम अमीनो एसिड यानी ग्लाइसिन से लेकर ग्लूटामिक एसिड तक तमाम अमीनो एसिड को आप देखोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा यार कितना मुश्किल स्ट्रक्चर इसका, लेकिन आपने सिर्फ एक चीज याद करनी है इसमें यानी कि जो सेंट्रल कार्बन को हम कह रहे हैं जो काइरल कार्बन है इसमें जो तीन चीजें होती हैं वो कॉमन है हर अमीनो एसिड में। बड़ा सिंपल सी बात है, अब बहुत से स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं सोचते नहीं कि यार इतना मुश्किल स्ट्रक्चर इसको कैसे याद करेंगे, बड़ा सिंपल वे इसको याद करने का। देखिए दरमियान में सी है, इधर अमाइन ग्रुप है, ऊपर हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड पे क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब ये तीन चीजें जो है वो हर एक अमाइन एसिड में कॉमन है, जरा गौर से देखें हर एक अमाइन एसिड में चाहे ग्लाइसिन की बात करें ये अमाइन ग्रुप आ गया, ऊपर एच आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया यहां पे, ठीक है। अब आप किसी और में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी सेरीन में देखें तो यहां पे अमाइन ग्रुप है, सेंट्रल कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये तीन चीजें लेफ्ट आर्म राइट आर्म और हेड ये कॉमन है, जो इसकी लेग्स हैं यानी कि यहां पे लिखा फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं आर ग्रुप, ये आर ग्रुप वही आर ग्रुप है जो आपने एफएससी में जो है वो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें जो है 20 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे। अगर उन तमाम फंक्शनल ग्रुप्स को आप वन बाय वन यहां पे ऐड करते जाएं तो यहां पे क्या होगा अमाइन एसिड जो है उनके नाम चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप आर के यहां पे फंक्शनल ग्रुप पे लगा दें यहां पे एच लगा दें ये ग्लाइसिन हो जाएगा, अगर आप यहां पे सी एच थ्री लगा दें तो ये एलानिन हो जाएगा। तो ये जो हाईलाइटेड मैंने यहां पे किया हुआ सारा का सारा एरा ये और जो मैंने यहाँ पे हाइलाइटेड जो है एरिया जो आपको शो किया हुआ ये सारे क्या है फंक्शनल ग्रुप्स हैं या आर हैं। तो आपने जस्ट इन आर को याद करना तो आपको 20 के 20 अमीनो एसिड याद हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट बड़े सिंपल वे में लेवल ऑफ प्रोटीन्स देखते हैं, जो मेरा एक अपना एक फार्मूला है 4x4 का, कि आज से पहले ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा कि 4x4 का फार्मूला क्या है। बड़ा सिंपल फार्मूला है, अगर आप इसको याद कर लेंगे या सिर्फ इसको सुन लेंगे तो आपको प्रोटीन के जो चार लेवल है यानी कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का क्वार्टरी स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे, इसलिए इसको मैं कहता हूं रूल ऑफ 4x4। आए सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ 4x4, यानी कहने का मकसद है जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका मतलब है इसको हम वन कहेंगे। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक ही यूनिट होगा और एक ही क्या होगा बॉन्ड होगा, तो यूं ये प्राइमरी लेवल पे क्या होगा 1x1 होगा, सेकेंडरी पे क्या होगा 2x2 होगा और फिर आगे 3x3 और फिर आगे लास्ट पे क्या होगा 4x4। तो प्राइमरी लेवल एरिया फर्स्ट को हम देखते हैं उसमें यूनिट कौन से अमीनो एसिड है, जैसे कि आपको यहां पे एक वेरी क्लियर नजर आ रहे हैं हमारे पास यूनिट में क्या एक ही यूनिट है वो अमीनो एसिड है, और अगर हम इसमें जो है उस अमीनो एसिड को आपस में जब जोड़ते हैं तो पहले का कार्बोक्सिलिक और दूसरे का अमीनो ग्रुप मिलकर क्या बनाता है यहां पे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है जिसको हम डाइपेप्टाइड भी कहते हैं। तो यूं हमारे पास यहां पे बॉन्ड की टाइप कौन सी आएगी पेप्टाइड बॉन्ड। तो फार्मूला इज दैट स्ट्रक्चर पहला होगा उसमें एक ही यूनिट होगा और उसमें एक ही बॉन्ड होगा, तो यूं ये फार्मूला इस फार्मूला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा हमारे पास 1x1 होगा। और आगे हम देखते हैं इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर को यानी कि इसका लेवल क्या हमारे पास 2 है और इसमें क्या होगा हमारे पास 2x2 का फार्मूला लगेगा, यानी कि इसमें जो इसके यूनिट्स भी दो होंगे और इसमें बॉन्ड्स भी दो होंगे। देखिए आपके सामने बड़ा सिंपल सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देखते हैं इसमें यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, दो यूनिट्स हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स होती हैं इसमें, और अगर हम इसको डिकोड करें इसकी बाइंडिंग को तो हमें पता चलेगा यहां पे देखिए अल्फा हेलिक्स का सारा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया यहां पे और यहां पे हमारे पास जो है बीटा शीट्स का भी स्ट्रक्चर आपस में आ गया। लेकिन अब बॉन्ड कौन कौन से यहां पे देखिए नया बॉन्ड बांध है डॉटेड लाइन से, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा हमारे पास दो बॉन्ड होंगे, बॉन्ड की टाइप्स कितनी होगी दो होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड वन भी आएगा और दूसरा बॉन्ड हमारे पास वही जो पुराने वाला पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो कहने का मतलब है कि सेकंड लेवल पे हमारे पास फार्मूला क्या होगा 2x2, दो ही बॉन्ड की टाइप्स होंगी और दो ही हमारे पास क्या होंगे यहां पे इसके जो है वो यूनिट्स होंगे। ओके आगे मूव करते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल पे यानी कि प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसको 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लेवल कौन सा तीसरा लेवल, फार्मूला को आप क्या अप्लाई होगा 3x3 यानी कि 3 यूनिट्स होंगे और 3 बॉन्ड्स होंगे इस पे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें यूनिट्स कौन कौन से हैं, यूनिट 3 है, नंबर 1 इसमें जो यूनिट हमारे पास है वही दोबारा हमारे पास आएगा हेलिकल स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स होगा, और यूनिट 2 इसमें क्या होगा बीटा शीट्स होगी, और यूनिट 3 इसमें क्या होगा मोटिफ्स होंगे यानी कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं मोटिफ बनाते हैं। तो यूं थर्ड लेवल पे हमारे पास 3 यूनिट होगा। आइए अब देखते हैं इसमें 3 बॉन्डिंग कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले जो बॉन्डिंग इसमें है वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, जैसे ऑलरेडी आप सामने नजर आ रहा है जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है जो शुरू से चलता आ रहा है, जबकि
इसमें जो सेकंड बांड हमारे पास है वो हाइड्रोजन बांड है, जो कि इन बिटवीन बनेगा, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना था वो दो चेन्स के दरमियान बन रहा होता है, बीटा शीट्स के दरमियान भी हो सकता है, अल्फा हेलिक्स के दरमियान भी हो सकता है, ये रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं। जबकि थर्ड लेवल पे इसमें जो है जो बांड बनेगा बड़ा फेमस बांड, इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बांड। तो यूं इसमें तीन बाइंडिंग होगी और वो बनता है अमांग द चेन, यानी कि एक चेन का दूसरे चेन के साथ जो बांड आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे है डाइसल्फाइड बाइंडिंग है। जहां जहां पे हिस्टाडीन के अमाइनोसाइड्स आएंगे वहां वहां पे जो है डाइसल्फाइड की जो है लिंकेजेस हमारे पास शो होगी, जिससे प्रोटीन का जो थ्री स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। आइए मूव करते हैं प्रोटीन के फोर्थ लेवल पे, जिसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और आप जब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक्चुअल प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो लाइन नहीं करता, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर का। अब इसमें फार्मूला क्या फॉलो होगा, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ था 4x4 का, इनके चार ही यूनिट्स होंगे और चार इसमें क्या होंगे बाइंडिंग्स होंगी। सबसे पहले तो बात है जो पीछे वाले तीनों तो रिपीट होंगी दोनों जहां पे, एक एक चीज नहीं होगी तो यूं ये चार चार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर यूनिट कौन से हैं। इसमें यूनिट होगा अल्फा हेलिक्स, इसमें यूनिट होगा बीटा शीट्स, इसमें क्या होंगे मोटिफ्स, और मोटिफ्स के आपस में मिलने से एक बड़ा यूनिट बनता है, इसको हम कहते हैं डोमेन, जिसको सुपर टर्शियरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इसको जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का मेन यूनिट भी कहते हैं डोमेन्स, जैसे आपने इसका नाम सुना होगा। यहां पे आके मोटिफ और डोमेन के लेवल पे आके प्रोटीन के फंक्शन जो है वो प्रेडिक्ट होना शुरू हो चुके होते हैं। जब यूनिट्स हो गए तो इसके बाद हम बाइंडिंग की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास बाइंडिंग आएगी चार, यानी कि 4x4 का फार्मूला है। तो सबसे पहले जिसमें बाइंडिंग आएगी हमारे पास वो हमारे पास होगी पेप्टाइड बांड, फिर हमारे पास क्या आएगा दोबारा हाइड्रोजन बांड, फिर हमारे पास क्या आएगा डाइसल्फाइड बांड, और लास्ट में हमारे पास कौन सा रहेगा वंडर वाल फोर्स या साल्ट ब्रिजेस, जैसे यहां पे हर एरो लगा के मैंने बताया कि ये कहां कहां पे बन रही है। अब साल्ट ब्रिजेस कहां बनते हैं, जहां पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होंगी, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल नहीं होंगे प्रोटीन में, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होती है, तो वहां पे ये सारे के सारे क्या होंगी हमारे पास वन डबल फोर्स या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होंगी, जिसमें साल्ट ब्रिजेस आ जाती हैं। बाकी तीनों बांड वही है जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में थी। अब मेरे ख्याल में जब आप इस तरीके से जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर या इसके लेवल को देखोगे तो आप आसानी से इस फार्मूले में बता सकते हो, प्राइमरी लेवल वन में एक यूनिट एक बांड, सेकेंडरी लेवल पे दो यूनिट दो बांड, टर्शियरी लेवल पे तीन यूनिट तीन बांड, और क्वार्टरनरी लेवल पे चार यूनिट और चार बांड के फार्मूला से आप इजीली जो प्रोटीन के लेवल को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ शेप, बड़ा सिंपल सा बड़ा बेसिक सा, शुरू से हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू शेप प्रोटीन की दो तरह की शेप होती है, या तो फाइब्रस होता है या क्या होता है ग्लोबुलर होता है, यानी कि या तो धागा नमा होगा या फिर यह सर्कुलर होगा। अगर फाइब्रस की बात करें मोस्टली इसकी जो रेशियो हमारे पास आती है वो मोर देन 10 आती है, एक्स रेशियोस की होती है। ये लॉन्ग थ्रेड होते हैं, यानी कि मैंने शुरू में बता दिया ये हेलिकल स्टैंड नमा जो है प्रोटीन होती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। अब ये क्या होती है कि प्रोटीन जो है बॉडी में जहां भी पाई जाती है उसको एक खास सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। कौन सी प्रोटीन, कोलेजन, एलास्टिन, केराटिन, ये तमाम के तमाम वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में ऐसे फाइब्रस मॉलिक्यूल भी काम करती हैं। अगर हम दूसरे एंड पे देखें तो हमारे पास जो है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन, जिनकी शेप क्या होगी वो वाइड होंगी या ग्लोबुलर होंगी, ग्लोब शेप यानी सर्कुलर होंगी, और ये एक्ट एज एंजाइम करती है। कहने का मतलब है जितने हमारी बॉडी में एंजाइम है मोस्टली वो क्या होते हैं ग्लोबुलर होते हैं, और ये इसमें सबसे मशहूर जो प्रोटीन हमारे पास है वो एल्ब्यूमिन है और आगे क्या है ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन जो है हमारे पास वो साल्ट में सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है, जबकि एल्ब्यूमिन जो है हमारे पास वो वाटर में सॉल्युबल होती है, और ये मोस्टली एक्ट एज एंजाइम या हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो डिफरेंट किस्म होते हैं उनको जो है परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। अब आगे बढ़े तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो प्रोटीन हमारे पास जो है कैटालिटिक प्रोटीन्स भी होती हैं, जिसमें हमने आपको शुरू में बताया था वो एंजाइम्स होते हैं, जितने हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं वो क्या प्रोटीन्स होती हैं। तो अल्कलाइन फास्फेटेज हो, एलानिन ट्रांस अमाइनेज हो, या कोई भी और एंजाइम हमारे पास जो बॉडी में होगा वो क्या होगा प्रोटीन की नेचर होगा। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है रेगुलेटरी या हार्मोनल प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि बहुत सी प्रोटीन या पेप्टाइड या अमाइनो एसिड आपस में जो है जुड़ के एक्ट एज ए हार्मोन्स करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के हार्मोनल जो है सिस्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसमें इंसुलिन है, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स शामिल है। ओके, जो थर्ड लेवल हमारे पास यहाँ पे है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन वो स्ट्रक्चर प्रोटीन, जिसमें हमारी बॉडी में ये जो है डिफरेंट किस्म जो टिश्यूज है उनमें जो है उसके स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशंस करती है। कौन से टिश्यूज, कोलेजन, एलास्टिन, ये दोनों हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। फोर्थ लेवल पे देखें तो हमारे पास ट्रांसफर प्रोटीन, ये सर्व एज ए कैरी सब्सटेंसेस करती हैं, जिसमें ट्रांसफेरिन है यानी कि जो हमारे पास जो आयरन को कैरी करती है, हीमोग्लोबिन जो है जो कि हमारे पास जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो ये भी हमारे पास क्या प्रोटीन की ही फॉर्म्स हैं, ये इसके फंक्शंस हैं। और फिफ्थ लेवल पे देखें तो हमारे पास जो है वो प्रोटीन जो है कुछ प्रोटीन को हम अम्यून प्रोटीन भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, जैसे कि अम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीज हैं, आईजीजी हो, आईजीए हो, आईजीएम हो, आईजीडी हो या आईजीई हो, यानी कि जितनी भी हमारे इम्यून सिस्टम की प्रोटीन है वो सारी की सारी जो है वो डिफेंस में इन्वॉल्व हो रही होती है, तो प्रोटीन का ये फंक्शन भी है। और लास्ट में अगर देखें तो हमारे पास कंट्रैक्टाइल प्रोटीन भी होती हैं, जो कि मसल की कंट्रैक्शन के लिए यूज होती है, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन हैं। तो कहने का मकसद इस
पूरी स्लाइड को अगर आप देखें गौर से तो आप वेरी क्लियर आपके सामने आ चुकी है पिक्चर कि प्रोटीन हमारी बॉडी में सारे काम प्रोटीन के ही थ्रू हो रहे हैं। अब इन तमाम चीजों को सुनने के बाद और इन आखिरी स्लाइड जो है एक लुब्बे लबाब आपके सामने है, अब अगर हम अपनी बॉडी में से प्रोटीन को निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, और इसलिए अगर आप अपनी स्टडी में से प्रोटीन के नॉलेज को निकाल दें तो आपकी जो है स्टडी इनकम्प्लीट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर सुनने के बाद आपके जहन में जो प्रोटीन का नॉलेज कम है वो जरूर बढ़ जाएगा। गुड लक योर जर्नी विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।